को 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, जो आज गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे होंगे ना, कितनी सैलरी होगी? 30, 40, 50, 60, 70 हजार रुपए, 80 हजार रुपए, और भी बड़े होंगे तो 1 लाख तक। लेकिन 1 लाख भी सिर्फ दाल रोटी के लिए चाहिए, कुछ बड़ा उसपे नहीं कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक आप पहुंच भी गए तो कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन जो नहीं पहुंचे, जिनके पास मौका नहीं है, भयंकर दिखाई दे रहा है, जो मुझे भी दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई देना चाहिए। 2040 में 10 लाख रुपए पर मंथ चाहिए। अगर आज आपकी पेमेंट 70 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख है, आपको क्या लगता है कि आने वाले 19 सालों बाद 2040 में आपकी पेमेंट उसी काम को करते हुए 10 लाख रुपए पर मंथ पे पहुंच जाएगी? अगर पहुंच जाएगी तो फिर आप वही करिए, अगर नहीं पहुंच सकती तो ड्यू सॉफ्ट आपके लिए है, क्योंकि ड्यू सॉफ्ट में एक आईडी पे 6 लाख रुपीज पर मंथ है, 3 आईडी के साथ शुरुआत करेंगे 18 लाख रुपए पर मंथ है, 7 आईडी से लकी 7 से शुरुआत करेंगे 42 लाख रुपए पर मंथ देती है ड्यू सॉफ्ट। लीजिए ना, आप में कितना दम है, लेने वाले आज ले रहे हैं। इसी ड्यू सॉफ्ट से रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी संजय धीमान सर 400 करोड़ की प्रॉपर्टी बना चुके हैं, CNS के कैप्टन आज इसी ड्यू सॉफ्ट से करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। अब बारी आपकी है, क्योंकि आज भी मुझे अपने स्टूडेंट लाइफ याद आता है, जब मैं 5th क्लास में पढ़ रही थी उस समय ही मुझे सक्सेस का फॉर्मूला पढ़ाया गया था, लेकिन उस समय इतनी समझदारी नहीं थी कि यही सक्सेस का फॉर्मूला है, कि एक काम को एक व्यक्ति 10 दिन में करते हैं, उसी काम को 10 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, 1 दिन में करेंगे, ये आज समझ में आता है। और यही है ड्यू सॉफ्ट। लोग कहते हैं कि यहाँ पे 1.5 लाख रुपए वीक का कैसे आ सकता है, 6 लाख रुपीज पर मंथ का कैसे आ सकता है? वो मेरे अकेले करने से थोड़ी ना हुआ, टीम के करने से हुआ। अब टीम में अलग अलग सबकी क्वालिफिकेशन है, अलग अलग एफर्ट्स लग रहे हैं, और जब सो मेनी क्वालिफिकेशन एफर्ट्स एक साथ हो जाए, बिग रिजल्ट क्रिएट होंगे कि नहीं क्रिएट होंगे? इसीलिए ड्यू सॉफ्ट में ये पॉसिबल है 1.5 लाख रुपए वीक 6 लाख रुपीज पर मंथ का, क्योंकि अगर आपके पास नेटवर्क नहीं होगा तो आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। अगर सक्सेस होना है तो नेटवर्क तो बनाना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, दुनिया का एक सिंगल व्यक्ति का भी आप नाम मुझे बता दीजिए कि आज के समय में वो रिच हो, अमीर हो, सक्सेस हो, कामयाब हो, और वो नेटवर्क ना बनाया। ऐसा कोई भी नहीं इस धरती पे। अगर आपके पास नेटवर्क है तो आप कामयाब हैं। अरे और तो और, हमारे यहाँ प्रधान बनने के लिए भी नेटवर्क बनाना पड़ता है, तो हर काम के लिए नेटवर्क बनाना पड़ता है। नेटवर्क के माध्यम से आप लोअर क्लास से मिडिल क्लास से हाई क्लास तक पहुंच सकते हैं। एज अ वुमेन, जब मैं ड्यू सॉफ्ट में आई, मैंने यहाँ पे देखा गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। आज भी लोग कहते नहीं कि सब पढ़े सब आगे बढ़े, लेकिन आज भी बहुत ढेर सारे ऐसे गांव हैं, ऐसे शहर हैं, आज भी गर्ल्स को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। आज भी हमारी बहुत ढेर सारी बहन बेटियां सिस्टियां ले रही हैं, उनके लिए चैलेंज बढ़ गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्यू सॉफ्ट में, हर फील्ड में उन्हें वर्क करने के लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। लोग कहते नहीं कि लड़कियां बोझ है, जी नहीं, लड़कियां बोझ नहीं है, लड़कियां आपके बोझ को हल्का कर देंगे, बस आप इनके पावर को तो पहचानिए, समझिए इनकी पावर को। लोग कहते हैं बेचारी लड़की, आज के समय में लड़की बेचारी नहीं है, पावर बन चुकी है, बस उसे आपको सपोर्ट करने की जरूरत है। कोई भी काम होता है लोग कहते हैं अरे लड़की है मान जाएगी, मतलब आसानी से उनको हरा देंगे। और ड्यूसॉप में भी जब मैं वर्क कर रही थी, मैंने बहुत ढेर सारी अपनी बहनों के देखा, फैमिली वाले उनको समझाते थे, कहते थे, वो मान भी जाती थी, उन्हें हरा दिया जाता था कि अरे हम तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, क्या जरूरत है ड्यू सॉफ्ट करने की, सब कुछ यहाँ से तो पूरा हो रहा है, मैं कमा के तो ला रहा हूँ, क्या जरूरत है करने की, तुम्हारी कोई चीज ना पूरी हो रहा तो बताओ, इस तरीके से लोग कहते हैं। तो वो भी जो न्यू आते हैं वो भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ वो सही कह रहे हैं। लेकिन यही कह के आज लाखों लोगों के सपनों को दफन कर दिया गया है। इसलिए तो मैं कहती हूँ लड़कियां हारती नहीं, उन्हें हराया जाता है। क्या कहेंगे लोग, यही कह के उन्हें डराया जाता है।
आज के समय में लड़कियां पेरेंट्स के ऊपर बोझ नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है, वो एसेट बन चुकी हैं। डॉटर इज नॉट टेंशन नाउ, चेंज टू टाइम, रॉक टू टाइम, डॉटर इज इक्वल टू टेंशन। आज के समय में लड़कियां अपनी फैमिली की पावर हैं, अगर उस चीज को पहचान जाए। आप सब कुछ कर सकती हैं। आप ये मत सोचिए कि मेरी शादी होगी मैं अपने हस्बैंड के साथ ये करूंगी वो करूंगी। शादी के बाद आपको पता नहीं कैसी फैमिली आपको मिलेगी, लेकिन ड्यू शॉप के माध्यम से आप अपने आने वाली लाइफ को भी सिक्योर कर सकती हैं, अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। आज से ये डिसाइड कर सकती हैं ड्यू शॉप में। आज हमारे साथ बहुत ढेर सारी गर्ल्स हैं जिन्होंने अपने आप को एम्पावर करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। बहुत ढेर सारी महिलाएं हैं अपने घर के काम काज के साथ, कुछ लोग वर्किंग वुमेन भी हैं जो कि जॉब करते हैं, कुछ लोग अपना शॉप भी रन करती हैं, उसके साथ आज ड्यू शॉप में एज अ करियर वर्क कर रही हैं। कहते ने कह रहे हम औरतें बहुत कोमल होती हैं। जी हाँ जनाब, कोमल हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं। कमजोर शब्द तो हम अपने साथ लगाते ही नहीं, क्योंकि जब कहा जाता है कि नारी शक्ति, तो फिर नारी के साथ कमजोर शब्द कैसे लग सकता है। इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप कोमल है, शक्तिशाली है, इसलिए शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली अब आपकी कामयाबी की बारी है। एक औरत अगर एक बच्चे को जन्म दे सकती है, उसके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है, उसके अंदर वो काबिलियत है कि एक बच्चे को परवरिश करके पाल पोस के बड़ा करके उसे कामयाब इंसान बना सकती है, क्या वही औरत खुद कामयाब नहीं हो सकती? वो भी खुद कामयाब हो सकती है, लेकिन शर्त इतनी सी है कि हमारी बहन अगर अपनी शक्ति को पहचान जाए। आपको अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है, और आज जिन लोगों ने अपनी शक्ति को पहचाना है, आप देख पा रहे हैं उनकी फोटो फ्रंट पे है, तो आपको भी अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और वो हमेशा से कहा जाता है इतना कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, तो हमारी बहनों को आगे बढ़ने के लिए जो सपोर्ट चाहिए वो हमारे बंधु चाहिए, क्योंकि हम बात करते हैं लाइफ पार्टनर की 50-50% की भागीदारी। और जिनके भी लाइफ पार्टनर यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपनी वाइफ के साथ, उनकी भी फोटो इस तरीके से स्क्रीन पे आते हैं। और स्क्रीन पे जितनी भी फोटोज आप देख पा रहे हैं, इसमें से 90% लोगों ने पहले खुद पहल किया है ड्यू शॉप में। उन्होंने ड्यू शॉप का प्रोजेक्ट देखा, फिर अपने हस्बैंड को बताया, अपनी फैमिली को बताया, और उन्होंने भी हामी भर दी और डिसीजन लिया, और फिर आज शुरुआत। बहुत ढेर सारे लोग कहते हैं मेरे तो हस्बैंड मान नहीं रहे। चाबी तो आपके पास ही होनी चाहिए कि कैसे मानेंगे। अगर हम अपने हस्बैंड को, अपनी बात को नहीं मना पा रहे हैं, कामयाबी के लिए, ड्यू शॉप के लिए नहीं तैयार कर पा रहे हैं, तो हम और क्या करेंगे। वो आपको पता है कि कैसे उन्हें तैयार करना है, क्योंकि वो कहते ना कि अगर वो राजी हो गए फिर तो आपकी कामयाबी की उड़ान लग गई, पर लग गए, आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और मैं उड़ान कैप्टन हूँ, इसीलिए तो मैं कहते हैं जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टक्कर ले तो उड़ान कहते हैं। तो आपको अपनी जिंदगी में उड़ान भरना है, क्योंकि आज बहुत ढेर सारी महिलाएं एज अ कपल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैसे रॉक कर पा रहे हैं। और हमेशा से आप सुनते हैं ना, युवा देश के भविष्य होते हैं, और जब जहाँ पे युवा लग जाए फिर तो फिर पावर बढ़ जाती है, क्योंकि जो ड्यू सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उनके ख्वाब जो होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा बुलंद होते हैं, ऊंचे होते हैं, उनके जो हौसले होते हैं ना, अडिग होते हैं। ख्वाब ऊंचे हैं और हौसले भी जिंदा हैं। हम वो उड़ान युवा हैं जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं, क्योंकि ड्यू सॉफ्ट में आने के बाद, उड़ान टीम में प्लग होने के बाद, वो नॉर्मल कैंडल से मैजिक कैंडल बन जाते हैं। उनके सपनों का वो जो मैजिक है ना, वो हमेशा स्पार्क करता रहता है, और इस तरीके से वो पर्सन से पर्सनालिटी बन जाते हैं। लॉकडाउन में लोग बहुत ढेर सारे लोग परेशान हो रहे थे, रो रहे थे, अरे अब क्या होगा, लेकिन इसी लॉकडाउन में उड़ान टीम में कार भी आई, कैप भी लगी, लोगों ने हाईएस्ट इनकम को भी अचीव किया, बहुत ढेर सारे लोगों ने माइल को भी कंप्लीट किया, स्टार कंप्लीट किया, प्रीमियर कंप्लीट किया, Because of decision, ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया।
बिकॉज ऑफ ड्यू सॉप। लोग सोच रहे हैं 10 से 15 हजार रुपए के लिए, और ड्यू सॉप में जो डिसीजन लिए, जो वर्क कर रहे हैं, आज वो इंसेंटिव की लाइन लगा चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि अपना इंसेंटिव आप खुद लिखें कि इस महीने इस हफ्ते हमें कितना कमाना है, तो ड्यू सॉप के अलावा आपका कहीं नहीं पूरा हो सकता। ड्यू सॉप की वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जॉब में अगर आपकी सैलरी फिक्स है 18,000, 20,000, 50,000, 8-10 घंटे 12 घंटे मेहनत करने के बाद महीने में कितना भी आप एफर्ट लगाएं, उतना ही सैलरी घर लेकर के आएंगे। लेकिन ड्यू सॉप में प्लानिंग के साथ, टीम वर्क के साथ, जितना चेक आप चाहे लिख लें, उससे ज्यादा इंसेंटिव आप ला सकते हैं। और इन ढेर सारे चैंपियंस ने लिखा और आज अचीव किया है इसी लॉकडाउन में। और कहते हैं कि कोई भी अचीवमेंट अगर होती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं पावर होता है। और आज अगर उड़ान टीम में ये सारी अचीवमेंट्स हो पा रही हैं, बिकॉज ऑफ माय ग्रेट अपलाइन जो मेरे जीवन में आए, जिन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी संजीव सर, जिन्होंने ड्यूस ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में इंट्रोड्यूस किया, और भी सपोर्टिंग ग्रेट अपलाइन मोनिका मैम, गोस्वामी सर, जीएम ऑफ ड्यूस ऑफ रिस्पेक्टेड अनुराग अवस्थी सर, जो पल पल गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इनकी गाइडलाइन की वजह से ये सारी अचीवमेंट पॉसिबल हो पाए। क्योंकि बिना टीम के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आप देखिए, क्रिकेट भी खेलते हैं तो आप टीम बनाएंगे तभी तो खेलेंगे। बिना क्रिकेट के मैच जीत सकते हैं क्या? नहीं जीत सकते। कोई भी खेल खेलेंगे, टीम चाहिए। और कहते हैं कि टीम अगर साथ है, कितना भी टैलेंट है, तो आप बस जीत सकते हैं। लेकिन अगर टीम में यूनिटी आ जाए तो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है, और जब यूनिटी स्ट्रेंथ एक साथ हो जाता है तो फिर आप पूरी चैंपियनशिप को ही जीत सकते हैं। और आज अगर उड़ान टीम उड़ान भर रही है बिकॉज ऑफ यूनिटी, आज उड़ान टीम में यूनिटी है, तो आप भी अगर आप चाहते हैं कि आपके अपने सपनों को स्पार्क लगे, आपके सपने रियल में ट्रांसफॉर्म हो, ऐसा नहीं कि बस सपने धरे के धरे रह जाएं, आप सोचते रह जाएं, नहीं, उन सपनों को उड़ान देना है आपने। ये ड्यूस ऑफ प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ में आया है, ये सब कुछ हो सकता है। इतना आसान नहीं था बैक जर्नी को शेयर करना, क्योंकि आप अपने घर में अभी जस्ट मीटिंग एंड होने के बाद ही आपके घर में फैन लगा होगा ना, जाइएगा स्विच ऑन करिएगा, फैन तुरंत चलने लगेगा। और जब ऐसे फैन चलने लगेगा तेजी से, आप ऐसे जब देखेंगे ना, शाइन करेगा, चमक आएगी। लेकिन फैन को बंद करेंगे और पीछे उंगली लगाएंगे फैन की पत्ती के ऊपर, देखेंगे ढेर सारी धूल आपकी उंगलियों पे आ जाएंगे। यही है आपकी जिंदगी। ऊपर से तो आप शाइन कर रहे हैं, लेकिन अगर ड्यूस ऑफ आपकी लाइफ में नहीं है ना, अगर ड्यूस ऑफ को आपने नहीं अपनाया, इस अपॉर्चुनिटी को नहीं समझा, तो वही धूल वाली जिंदगी आपको जिंदगी भर झेलनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको जिंदगी भर धूल फाकनी है या फिर एसी में सफर करना है, कार में एंजॉय करना है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। डिसीजन आपको लेना है। आज रात को सोने से पहले आप खुद से ये सवाल करिएगा, ड्यूस ऑफ नहीं तो क्या, क्या और कोई मौका है जहां से मेरी जिंदगी बदल सकती है? जब भी हम लोगों को प्रोग्राम बताते हैं, लोग कहते हैं मैम पैसा नहीं है, 10,500 रुपये बहुत ज्यादा है। 27 जुलाई 2013 को जब मैंने ड्यूस ऑफ कॉन्सेप्ट को देखा था ना, मेरे पास भी पैसे नहीं थे ड्यूस ऑफ को ज्वाइन करने के लिए। मैंने भी पैसे उधार लेकर के ड्यूस ऑफ ज्वाइन किए। मैंने भी अपने अप्लाइंस से एकदम आसानी से कह दे, सर इतना तो पैसा नहीं मेरे पास, आप ही लगा दीजिए। सर आप विश्वास करिए, सर मैं आपके स्कूल में पढ़ाती हूँ, 3 साल से टीचिंग कर रही हूँ, आपको तो इतना विश्वास होना चाहिए ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हॉस्टल में रहती हूँ तो क्या होगा, इतना तो आप मेरे पर विश्वास करिए। मैं सर तब तक स्कूल नहीं छोड़ूंगी जब तक आपके 10,500 रुपए नहीं पूरे हो जाएंगे, बाई चांस अगर मुझे ड्यूस ऑफ नहीं करना हुआ, मैं तब तक आपके स्कूल में टीच करूंगी
मेरी सैलरी से आप कट कर लीजिएगा, लेकिन सर आप मेरे पैसे लगा दीजिए। सर ने जो जवाब दिया ना, वो तीर की तरह चुभ गया। बोले, आरती जी, भूख आपको लगी हो, खाना मैं खाऊं आपके पेट में जाएगा क्या? हमने कहा, सर वो बात नहीं है। बोले, आरती जी, आप पैसे किसी से उधार ले लीजिए। हमने कहा, सर मैं स्टूडेंट, घर से 100 किलोमीटर दूर रह करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट आके पढ़ाई कर रही हूँ और पार्ट टाइम टीचिंग भी कर रही हूँ, मुझे कौन देगा 10,500 रुपए? तो सर ने कहा, आरती जी, समाज में उसी को पैसे नहीं मिलते हैं जिसका कैरेक्टर खराब होता है या फिर जो पैसे की हेरा फेरी करता है। सर ने जब ये बात बोली ना, उनकी बात चुभ गई। कैरेक्टर, कैसी बात कह दी सर ने। आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं अपने सभी फ्रेंड सर्कल में उनकी एक अच्छी दोस्त हूँ, अच्छी रिलेटिव हूँ। पहली बार किसी ने कैरेक्टर ऊपर बोला था। हमने कहा, सर ऐसा? बोले कि फिर तो पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। हमने कहा, सर मैं समझे नहीं। बोले, आरती जी, अगर आपके कैरेक्टर भी सही है, पैसे के लेन देन भी सही है, पैसे आप उधार ले लीजिए। हमने कहा, सर स्टूडेंट को 10,500 रुपये इकट्ठा कोई देता है क्या? बोले, आरती जी, आप बीएससी मैथ से की हैं, मैथमेटिक्स की स्टूडेंट हैं, जरा थोड़ा कैलकुलेशन के रूप में सोचिए। 10,500 रुपये एक व्यक्ति नहीं दे सकता, लेकिन 1,000 रुपये, 500 रुपये अलग अलग लोग तो दे सकते हैं। हमने कहा, सर थैंक यू आइडिया देने के लिए। उसी समय लगा कि पैसा मिल गया, पैसा मिल गया, ऐसा लगा आइडिया सुनने से ही। फिर क्या था, पैसे की व्यवस्था में लग गए। रूम पर आते ही हॉस्टल में सबको कॉल करना शुरू किया और अप्लाई ने कह दिया था कि ये जाके नहीं कहना है कि ड्यू शॉप ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि ड्यू शॉप तो उन्हें पता नहीं और लोग समझाना शुरू करेंगे। अगर रियल में आपके सपने हैं तो आपने ये कहना है, मुझे एक ऐसा सिस्टम मिला है, एक ऐसी अकेडमी के साथ मैं अपने करियर की शुरुआत करने जा रही हूँ जिसमें कुछ महीने, कुछ साल तक अंडर ट्रेनिंग रहने के बाद मेरा 100% करियर सेट हो जाएगा। सर ने मुझे उस समय यही बताया था। तो मैं भी आके हॉस्टल में अपने सभी साथ की क्लासमेट्स को और गर्ल्स को बता दी, आज मैं एक ऐसी एकेडमी के बारे में जान के आई हूँ, अगर मैं उसमें अपना एडमिशन करा लिया और वहाँ पे सीखती रही और ट्रेनिंग लेती रही तो 100% वहाँ से मुझे प्लेसमेंट मिल सकता है। फिर तो बोले, अगर आरती ऐसी बात है तो फिर करना चाहिए। फिर मैंने सबसे सपोर्ट लिए, किसी से 1,000 रुपए, किसी से 500 रुपए, 1,500, 2,000, ऐसे ऐसे उधार लेकर के 10 से 15 लोगों से उधार लेकर के फिर मैंने डी शॉप में पैसे लगाए। और जब मैं डी शॉप में पैसे दे रही थी, उसी समय घर से एक ऐसी कॉल आती है, मेरे हाथ कांपने लगे कि मैं पैसे दूं या ना दूं। वो कॉल थी मेरी मदर की। जैसे ही मैं डी शॉप को ज्वाइन करने जा रही, सेम डे मेरे घर से कॉल आई कि आपस में फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा होने की वजह से, मारपीट की वजह से पापा के सिर में चोट लग गई, उनका सिर फट गया और सिर में 16 टाके लगे हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और जैसे मैंने इस कॉल को सुना, मैं रास्ते में थे, रिसॉप का पेमेंट देने के लिए ऑफिस में आ रही थी, फिर तो लगा कि पैरों तले जमीन खिसक गई। और मैं ऑफिस में आई, दोपहर का समय था और पैसे काउंटर पर रख कर रोने लगी। बोले, आरती जी क्या हुआ? हमने कहा, सर ये ड्यू शॉप के लिए पैसे। और मैं रो रही हूँ, अपनी आंसू को उनसे छुपा रही हूँ। कह रही कि आरती जी, अगर आपको इतना ही तकलीफ है ड्यू शॉप ज्वाइन करने में, ये पैसा अपने पास रखिए। हमने कहा, नहीं सर ऐसी बात नहीं है। फिर मैंने उनको पूरी बात सुनाई तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, जैसे मैंने पैसे दिए तो उन्होंने काउंटर पर मेरी तरफ कर दिया कि आरती जी आप जाइए अपने फादर का इलाज करिए और बाद में ड्यू शॉप ज्वाइन करिएगा। हमने कहा, नहीं सर, ये 10,500 रुपए मैंने कैसे इकट्ठा किए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको 10 लाख रुपए दे रही हूँ और मैंने इतनी मुश्किल से, इतना रिक्वेस्ट के बाद इस पैसे को इकट्ठा किया है, शायद मैं दोबारा इकट्ठा नहीं कर पाऊंगी। मम्मी है, कैसे भी करके पापा का इलाज करा लेंगी, उधारी करके कैसे भी मैनेज होगा, लेकिन सर आप मेरा रजिस्ट्रेशन करिए ड्यू शॉप में। और मैंने ड्यू शॉप में रजिस्ट्रेशन करवाया और मैं प्लान करती गई, लोगों से मिलते गए, लोग मना करते रहे, मैं फिर भी अपने सपनों के लिए लगी रही। और उस दिन से लेके आज तक ड्यू शॉप के प्रति कभी मेरे माइंड में नेगेटिविटी नहीं है। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं हिला सकती। लोग मुझे ना कहते थे, मुझे हाँ सुनाई देता था।
कि हाँ अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। लोग ना करते गए, मैं आगे बढ़ते गए, और थैंक्स उस पल का, थैंक्स उन लोगों का जिन लोगों ने मुझे मना किया, जिन लोगों ने मेरे साथ शुरुआत नहीं किया। अगर शायद वो शुरुआत कर लिए होते तो मैं अपनी कामयाबी में चूर हो जाती, कह रही इतना जल्दी मैं कामयाब हो गई। लेकिन थैंक्स उन सभी रिलेटिव, फ्रेंड्स, नियर डियर्स का, जिन्होंने मेरे ऊपर हंसा मजाक उड़ाए, और उनकी ना की वजह से, उनकी मजाक की वजह से मेरे अंदर वो चिंगारी लगी कि अब तो करके ही दिखाना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अब तो करके ही दिखाना है। तो 10 से 15 हजार रुपए के लिए आपने सोचना नहीं है। और जब मुझे ये सिस्टम समझ में आ गया ना, मेरे फादर ने किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन लेके 1.5 लाख रुपए सिस्टम में लगाए। एक बेटी एक दिन सोच रही थी 10.5 हजार रुपए लगाने के लिए, जब पिता को समझ में आ गया ना, पैसे नहीं थे, किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन लगा के ड्यू शॉप में पैसे लगा, आज पूरी फैमिली ड्यू शॉप कर रही है। आज हमारी वो दुकान बंद हो चुकी है, उसको तो हमने 2015 में ही बंद कर दिया, एक फैसला लिया था। तो आपने ये सोचना नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम है। अगर इस पैसे की प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हैं तो आपको फिर से अपने आप को प्रॉब्लम में डालना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ जाएंगे आप, ये बोलेंगे कि हमें हेल्थ प्रॉब्लम है, डॉक्टर क्या बोलेंगे, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। मतलब आप ऑलरेडी दर्द में है, उस दर्द को मिटाने के लिए एक दर्द आपको और देगा। उसी तरीके से रियल शॉप में अगर आपके पास पैसे नहीं है, कर्ज है, प्रॉब्लम है, परेशानी कुछ भी है, रियल शॉप को ज्वाइन करने के लिए एक बार दर्द तो आपको लेना पड़ेगा। कांटा धसा है, कांटे को निकालने के दूसरा कांटा लगाना पड़ेगा। तो आपको रियल शॉप में पैसे लगाने पड़ेंगे, तब आपकी लाइफ में ये सारी अचीवमेंट्स हो सकते हैं। अब मैं आप लोगों से सवाल करना चाहती हूँ, क्या 10.5 हजार में वो ताकत थी कि आरती की स्ट्रोम आ जाती? क्या 10.5 हजार में ताकत थी कि एल्सा आइडल और ड्यूस ऑफ आरती को स्टेज पर ला देता? क्या 10.5 हजार में वो ताकत थी कि आरती को फॉरेन ट्रिप करा देता? क्या 10.5 हजार में वो ताकत थी कि आरती की पहचान इस लेवल पे हो जाए कि आज हजारों लोग यूट्यूब पे सुने? आज के समय में मेरी वीडियो 150 लोग पर डे देखते हैं। अभी तक उस वीडियो को अपलोड किए हुए 2 साल हुए, 95,000 से प्लस व्यूवर्स हो चुके हैं एक वीडियो पे। आपको फैसला लेने की जरूरत है। बदल सकता है हर वक्त अगर आप चाहें तो, बदल सकती हर सोच अगर आप चाहें तो, बदलना पड़ेगा उस ऊपर वाले को भी अपना फैसला अगर आप चाहें तो। आरती ने सोचा था अपने वक्त को, अपने हालात को बदलने के लिए, तब ये बदलाव आए। आपको भी आज सोचना पड़ेगा कि अगर अपने घर के हालात को, परिस्थितियों का बदलना चाहते हैं तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि ड्यू शॉप एक मौका है जिंदगी बनाने का। ये मौका मेरी लाइफ में आया और मेरी जिंदगी बदली। ड्यू शॉप एक मौका है जिंदगी बनाने का। ड्यू शॉप एक रास्ता है शोहरत और इज्जत पाने का। ड्यू शॉप देता है जज्बा कुछ कर दिखाने का। ड्यू शॉप एक मंच है अच्छे लोगों से मिलने और मिलाने का। और ड्यू शॉप कामयाबी का एक सक्सेसफुल मंत्र है स्वर्ग को धरती पर लाने का।